अभी अभी एक बड़ी खबर दरभंगा शहर से निकल कर आ रही है, जहां दरभंगा शहर का सोहंकरपुर में सती स्थान के पास टेम्पू जा पलटा है नदी में, जिसमें गंभीर रूप से 8 से 9 लोग घायल हो गए हैं। तो वही आनंद फानन में 4 थाने की पुलिस भी मौके घटना पर पहुंची है। दरभंगा नगर कोतवाली मब्बी विश्वविद्यालय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो वही दरभंगा के SDM भी मौके घटना पर पहुंच करके जायजा लिए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा शहर के सोहंकरपुर सती स्थान सतियारा से निकल कर आ रही है, जहाँ सतियारा के पास में जर्जर सड़क के कारण जा पलटा टेम्पू और गिर गया 30 से 40 फीट नीचे नदी में, जहां 12 से 13 लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना आ रही है। तो वही 8 से 9 लोगों को रेस्क्यू करके गोताखोरों के द्वारा निकाला गया मौके घटना से। बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो ऑक्सीजन पे है वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसका भी दरभंगा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, बाकी घायलों का इलाज दरभंगा के DMCH में चल रहा है। दरभंगा के SDM विकास कुमार भी मौके घटना पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने जायजा लिया। 4 थाने की पुलिस भी घटना पर पहुंची। आपको बता दें, जर्जर सड़क होने के कारण पलट गया, आए दिन कोई ना कोई घटना उस सड़क से होते ही रहता है। आपको बता दें, कोई मुंडन कराने जा रहा था देवी के स्थान पर, तो कोई पूजा अर्चना करने जा रहा था, इसी बीच जाने के क्रम में जर्जर सड़क होने के कारण पलट गया और पलट कर नीचे गिर गया 40 फीट और नदी में चला गया। आपको बता दें, आनंद फानन में लोकल लोगों ने घुस कर करके टेम्पू को निकाला और वहां के जो गोताखोर हैं जो तैरना जानते हैं वो लोग घुस करके लोगों को बचाएं। आनंद फानन में दरभंगा के भी SDM पहुंचे मौके पर, थाना पहुंची मौके पर, संभाला गया मोर्चा। वही लोगों में भयंकर आक्रोश भी देखा गया। लोगों का कहना था कि कई वर्ष बीत गए, यह सतियारा भी है, यहाँ पर लोग अपने परिवार के सबको जलाने आते हैं जब देहांत हो जाता है, और यहाँ पर बड़ा ही प्राचीन देवी स्थान है सती स्थान, जहाँ पर सोमवार को मेला लगता है, सप्ते में 2 दिन मेला लगता है, उसी मेले में लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, और आज भी सोमवार के दिन यह घटना घट गई है। लोगों में भयंकर आक्रोश देखा गया, लोगों के सहयोग से टेम्पू को निकाला गया, टेम्पू के तो फरकच्चे उड़ गए हुए थे। वही हताहत की घटना तो अभी तक नहीं सामने आई है, गंभीर रूप से लोग घायल हैं। तो वही पुलिस भी वहां पर कैंप कर रही है, स्थानीय लोगों की मदद से सभी को निकाला गया। दरभंगा के SDM भी मौके घटना पर पहुंचे, तो वही कई थानों की पुलिस भी घटना पर पहुंची। 4 थाने की पुलिस पहुंची हुई थी मौके घटना पर, लोगों को रेस्क्यू करवाया गया। हालांकि लोग आशंका जता रहे हैं कि अभी भी 2 आदमी फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि प्रतीक्षा करना होगा कि जब तक पता न चल जाए कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आइए आपको दरभंगा के SDM से हम बात करवाते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। गली गली अब वोट मांगने के लिए जो हमारे पार्टी जीते है। घटना के बारे में नगर थाना प्रभारी द्वारा मुझे सूचना दी गई थी, त्वरित इनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अपने पुलिस कांस्टेबल प्लस लोकल लोगों को गोताखोर के रूप में यूज़ किया गया। टेम्पो पलटने में जो भी 8-9 लोग थे सबों को सुरक्षित निकाल के अस्पताल भेज दिया गया है। आम लोगों का कहना है कि शायद कुछ लोग हो सकते हैं, इसलिए फिर भी हम लोग गोताखोर को लगा के पिछले 1-1.5 घंटे से देख रहे हैं कि कोई और आदमी उसमें घुसा तो नहीं। क्या सर, गोताखोर आया है? गोताखोर, लोकल गोताखोर आया है। हमारे सरकार तरफ से कोई गोताखोर नहीं आया? सरकार मतलब CO की तरफ से आया, तो सरकार की। अच्छा, तो हमारे क्या जानकारी अभी तक मिला? अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, कोई भी हताहत की सूचना नहीं है किसी की। कितने लोगों की मौत की खबर है? कोई मौत की खबर और घायल कितने लोग हैं? घायल 7-8 लोग को निकाला गया है, सबका इलाज चल रहा है, सब सुरक्षित। ये लोग सब कहाँ के थे सर, और क्यों आए थे? प्रजापट्टी के थे, शायद मुंडन के लिए मंदिर में आए हुए थे। जी सर, ये काफ़ी पुरानी सड़क है, अतीत स्थलीय है, और इधर जर्जर अवस्था की बराबर ठीक है। ये मुद्दा फिर से इलेक्शन खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता के बाद इसको देखा जाएगा, और जरूरत होगी तो इसकी मरम्मत करेंगे। और सर, जितने लोग घायल है वो कहाँ भर्ती हैं? कुछ लोग DMCH में है और कुछ लोग प्राइवेट नर्सिंग में। मेरे किसी प्रकार की कोई मैंने हताहत की सूचना नहीं, सूचना नहीं। तो क्या सर, फिर से वहाँ गोताखोर इंडिया की टीम जरूरत पड़ेगी, तो फिर से हम लोग यहीं स्टेशन रहेंगे, जरूरत होगी तो हम लोग फिर से गोताखोरी करेंगे। सर, कुल कितने
कितने लोग की बात सामने आ रही है? 7 से 8 लोग जैसा कि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा बताया गया है, 7 से 8 लोग थे जिनको निकाल के तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। सर लोग थाने के सीमांकन को लेकर भी कई लोग बता रहे हैं, थाना का सीमांकन नहीं, उसमें बाउंड्री का डिस्प्यूट से कोई नहीं आया, 3 से 4 थाना प्रभारी मौजूद हैं, तो वो उस चीज़ की बात छोड़ दीजिए, किसी डिस्प्यूट को लेकर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सर पब्लिक में सड़कों के लेकर के काफ़ी आक्रोश देखी गई, क्या अभी स्थिति क्या है? अभी तो स्थिति सामान्य पूर्ण है, उनका शिकायत है कि रोड खराब है, इसको इलेक्शन के बाद मैं जो भी उचित फोरम होगा वहाँ इसको जरूर। ठीक, धन्यवाद। घटना घटी है, कैसे घटना घटी है, क्या चीज़ से घटना घटी, सो बताइए। ये घटना जो है आपको शुभंकरपुर शक्ति स्थान से आगे ये सिमरा वाले रूट में मोड़वा के पास हुआ है। अच्छा, ये जो है जितने भी आदमी इसमें जा रहे थे सब हमको लग रहा है कि शक्ति स्थान से भगवान का दर्शन करके पूजा करके वहाँ से लौटने के दरमियान या जाने के दरमियान ही हुआ है। तो टेम्पो नदी में चली गई है, नदी में चल गया, रोड थोड़ा सा गड़बड़ है, रोड के कारण ही हुआ है। आदमी मरा भी है, घायल भी है, बहुत ज्यादा सीरियस है, बच्चा अच्छा। जो 10-12 साल का है। अच्छा, ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, और एक लड़की है जो सुन रहे की अभी तक नदी में ही है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, ड्राइवर, ड्राइवर भी अभी तक ड्राइवर का था पता नहीं हमको। कितने आदमी, कुल कितने आदमी डीएम से गए? हमको लगा वही 10-12 आदमी के अप्रोक्स में इसमें था। अपना नाम बताइए आप? आनंद कुमार पासवान, यहाँ का स्थानीय निवासी है। हाँ, यहाँ का स्थानीय निवासी है। टेम्पो पलट गई है। कहाँ पर टेम्पो पलटी है? आपको बहादुरपुर सत्यारा के बगल। कैसे पलटी है, कारण क्या था टेम्पो पलटने? सती माई के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए जा रही थी, उसमें 10 लोग सवार थे, उसमें जो है सो रोड गड़बड़ होने के कारण रोड पलटी करके नदी में चला गई। कई फीट नीचे गिरा? कम से कम 30-35 फीट। क्या आदमी घायल भी है? बहुत घायल है, 10-10 घायल। मरा भी है कोई? मरा में अभी जानकारी नहीं है इस चीज़ का। आगे जो प्रशासन सब पहुंची थी? नगर थाना सबसे पहले पहुंची। क्या को थाना पहुंची थी? नगर थाना पहले पहुंची, उसके बाद मब्बी थाना पहुंची। विश्वविद्यालय थाना ही पहुंची है? विश्वविद्यालय थाना ही। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार है। स्थानीय निवासी है जी?